तो चलिए दोस्तों, आपको मैं कॉलेज विज़िट कराता हूँ और आप देख के समझ सकते हैं ये कॉलेज कितना इम्प्रूव कर रहा है अभी। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अविनाश कुमार। आज मैं अपने कॉलेज 2015 के बाद आया हूँ, करीब 7 साल हो गया, और मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कॉलेज कैसा था और अभी कैसा हो गया। मैं 2015 में कॉलेज छोड़ा था, उस टाइम के बाद अभी आ रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे डिग्री की ज़रूरत पड़ी और डिग्री मुझे निकालनी है। कभी ज़रूरत नहीं पड़ा था इसलिए मैं कभी आया भी नहीं, और अभी ज़रूरत पड़ा है 2022 में, तो मैं डिग्री लेने आ गया हूँ और आपको दिखाता हूँ अपने कॉलेज के बारे में, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे यहाँ पर बदलाव हुआ है। पहले तो भाभा इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट था, लेकिन अभी यह भाभा यूनिवर्सिटी भी बन गया है और इसी के माध्यम से अभी संचालित होता है। पहले इसका संचालन RGPP के द्वारा किया जाता था, लेकिन अभी यह खुद का यूनिवर्सिटी बना लिया है। भाभा ऐसे देखा जाए तो बहुत अच्छा कॉलेज है। जब मैं एडमिशन लिया था उस समय बहुत इसका नाम सुना था और हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई भी की थी यहाँ पे, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बहुत अच्छे से पढ़ाई भी यहाँ पे फैकल्टी लोग कराते थे, उसके बाद में कॉलेज कम आता था। और अभी तो स्थिति ऐसा है कि कॉलेज में कोई बंदा स्टूडेंट लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते हैं। अभी कॉलेज की स्थिति पहले के अपेक्षा थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे सीट मिला जुला के फुल हो जाती है, और CSIT मैक्सिमम सीट फुल होती है। मैकेनिकल का भी थोड़ा बहुत ठीक है। अभी आप देख सकते हैं अभी कॉलेज के चारों तरफ कितने पेड़ पौधे हरियाली लगा हुआ है। पहले इतना हरियाली नहीं थी यहाँ पे, बहुत कम ही पेड़ पौधे थे और फूल वगैरह थे, बट इतना जो आप जो बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो उस समय छोटे छोटे लगाए जा रहे थे 2015 के टाइम में। अभी 7 सालों में बढ़कर बहुत बड़े बड़े हो गए हैं और अच्छा भी लग रहा है कहीं ना कहीं ग्रीनरी। ये देख सकते हैं हमारे पीछे कॉलेज का बैनर भी लगा हुआ है। मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है और इसके बारे में आप जान लीजिए। ये मेरा कॉलेज का मीडिया हाउस है जो स्वराज एक्सप्रेस से जाना जाता है, News 360। आप अगर न्यूज़ पे देखेंगे तो ये आपको दिखेगा और यहाँ का जो भी होगा न्यूज़ वगैरह दिखाई जाती है, आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए RKDF स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस है, यहाँ पे पूरा RKDF जो है और यहाँ पे फार्मा का पढ़ाई किया जाता है इधर, और इसी के भाभा यूनिवर्सिटी के अंदर में इसको अभी पढ़ाया जा रहा है और इसी कैंपस में रहता है। ये जो है आपका RKDF ये भाभा कैंपस में ही है, और पहले इधर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं पहले RKDF कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, और इधर ही अभी जितने भी है ग्रुप सब भाभा यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे पहले जो RGPP से कोर्स कराया जाता था, अब RGPP से नहीं कराया जाता है, इसका खुद का यूनिवर्सिटी हो गया है भाभा यूनिवर्सिटी, और एक RKDF यूनिवर्सिटी SRK यूनिवर्सिटी, वो यहाँ से करीब 0.5 किलोमीटर दूर होगा। RKDF साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी वो SRK यूनिवर्सिटी में आता है। एक कॉलेज का मेन गेट से आते समय दिखेगा, ये देखिए हमारे कॉलेज का मेन गेट है सामने से, यहाँ से आप आएंगे धीरे से तो इधर RKDF 2 का बिल्डिंग दिख जाएगा और ये साइड आपको RKDF फार्मा का बिल्डिंग दिख जाएगा। कि धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो ये भाभा का में देख सकते हैं बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे पूरा कोर्सेज भी यहाँ पे दिखाया गया है, क्या क्या इंजीनियरिंग फार्मा है, डेंटल है, एग्रीकल्चर है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, PhD भी यहाँ पे कराए जाते हैं। तो कोर्स के लिए सोचना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो आप चाहें सब कर सकते हैं। इधर साइड छोटा सा कैंटीन है, यहाँ पे चाय पानी बिस्कुट कर सकते हैं आप, और बाजू में ये पार्किंग है, यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह लगती है, यहाँ गाड़ी वगैरह लगा सकते हैं आप। उधर RKDF फार्मा देखा था, यहाँ पे भाभा फार्मा रिसर्च है जो एक ही कैंपस में है, और आगे आपको भाभा इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का बैनर दिख रहा होगा जो इसी कॉलेज से मैं पढ़ाई किया था। 2015 में पास आउट यहाँ से किया था, फिर यहाँ पास आउट होने के बाद मैं अलग अलग जगहों पर जॉब कर रहा हूँ अभी। अभी जो कॉलेज जो दावा करती है कि कैंपस का, तो कैंपस से आप कहीं भी कॉलेज में पढ़िए, आप में टैलेंट होगा तभी कंपनी उठाएगी, नहीं तो नहीं उठाएगी। और यहाँ के जो कॉलेजेज है मैक्सिमम वो नाम के लिए आती कंपनी, एक दो उठाती है, नहीं तो नहीं भी उठाती है। तो कैंपस के भरोसे नहीं रहना है, खुद से मेहनत करना है और आगे बढ़ना है दोस्तों।
ये देख सकते हैं हमारे कॉलेज का कितना सुनहरा कैंपस है। यहाँ पे आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा देख करके, पूरा ग्रीनरी है और बहुत साइलेंट यहाँ पे जगह है, जो आपको हाईवे से आपको महज 1 किलोमीटर की दूरी पे कॉलेज पड़ती है। ये जो कॉलेज है ना दोस्तों, ये भोपाल के पुराने कॉलेजों में गिना जाता है। 2003 में इस्टेब्लिश हुआ था और आज 2022 है, करीब 19 साल कॉलेज पुराना है, तो आप यहाँ ज़रूर विजिट कर सकते हैं। ये कॉलेज का मेन गेट है देख सकते हैं, और आपको सामने से ही गणेश भगवान का प्रतिमा मिलेगा जो आपको दिखाते हैं। देखिए गणेश भगवान की प्रतिमा है, यहाँ पे हम आते हैं पर डे और दर्शन करते हैं इनका, भगवान का, जिससे हमारा दिन शुभ हो। ये आगे लाइब्रेरी रिसेप्शन सेंटर है, इधर आपका स्कॉलरशिप सेक्शन है। देख सकते हैं हमारा कॉलेज के क्लासरूम है, जहाँ पे भी हम खड़े हैं क्लासरूम में, और यहाँ पे हम लोग पहले 2015 पहले इसी रूम में पढ़ा करता था, यही क्लासरूम में, और उस समय हम लोग को बहुत मज़ा आता था यहाँ पढ़ाई करने में, और फैकल्टी भी यहाँ ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पढ़ाई हम लोग ऐसे कर रहे थे यहाँ पे। ये देख सकते हैं ग्रीन बोर्ड है बैक साइड में, और यहाँ पे हम लोग उस समय बहुत मस्ती भी किए, पढ़ाई भी किए, सब कुछ किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर किसी को एडमिशन लेना है तो आ सकते हैं, विजिट कर लें, अच्छा लगे तो ले सकते हैं, और बहुत ही कम फीस में आपको यहाँ एडमिशन हो जाएगा और आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो कम से कम में इंजीनियरिंग करें, क्योंकि बाहर का आपको स्थिति मालूम होगा, बाहर में क्या है नहीं है, बाहर का स्थिति आपको बताते रहते हैं, तो जितना कम से कम हो आप इंजीनियरिंग करिए, ग्रेजुएशन डिग्री लीजिए और आगे अपना फ्यूचर की ओर ध्यान दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and that better day. Days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work? दोस्तों अभी मैं क्लास में सबसे टॉप फ्लोर वाले क्लासरूम में आया हूँ। आप देख सकते हैं पूरा रूम खाली है, और जिसमें अभी स्टूडेंट पढ़ रहा हो किसी और रूम में है। मैं आपको ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ, ऊपर से किस तरह का नज़ारा दिखता है। ये देखिए हमारे कॉलेज के ऊपर का नज़ारा है, और ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है ये डेंटल साइंस है, जहाँ पे डेंटल का पढ़ाई कराया जाता है। और ये सामने मैदान दिख रही है, पूरा फील्ड खाली है, ये अभी पूरा बरसात के बाद पूरा घास निकल आया है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इसमें हम लोग पहले क्रिकेट वगैरह खेला करते थे, बहुत ही एंजॉय करते थे इसमें, और बहुत ही क्लीन प्लेग्राउंड की तरह था। अभी पूरा इसमें घास वगैरह आ गई है, पेड़ पौधे उग गए हैं, अभी बहुत सारा चेंजेस यहाँ हो गए हैं। चारों तरफ देख सकते हैं पूरा पौधे हैं, आप देखने को मिल रहा होगा। देख कितने पौधे लगे हुए हैं, पहले इतना पौधे नहीं थे, उस समय छोटे छोटे लगाए जा रहे थे, आज जो बढ़कर इतना बड़ा हो गया। तो दोस्तों हम चलते हैं नीचे, और नीचे का थोड़ा और नज़ारा दिखाते हैं आपको, फिर आप कमेंट करके बताइएगा हमारा कॉलेज कैसा था और कैसा लगा आपको। ये सामने से देख रहे हैं लाइब्रेरी है हमारा, और यहाँ पे हम अभी आए थे नोट इश करवाने, आपको दिखा सकते हैं किस तरह का नोट इश फॉर्म है। देखिए अभी लाइब्रेरी का नोट इश हो गया और अकाउंट का भी हो गया, अभी और चलते हैं, डिपार्टमेंट का नोट इश कराना है, उसके बाद हमारा यहाँ पर सर्टिफिकेट जो मार्कशीट वगैरह है वो इशू किया जाएगा। इधर देख सकते हैं यहाँ पे रैगिंग से रिलेटेड है, बहुत पहले रैगिंग बहुत किया जाता था,
तो जूनियर आते थे उनको शोषण किया जाता था, लेकिन अभी कुछ रैगिंग यहाँ पे नहीं होता है। रैगिंग के खिलाफ बहुत सारे सख्त नियम यहाँ पे बन गए हैं, तो रैगिंग अब बच्चों को नहीं किया जाता है। स्टूडेंट जो न्यू आते हैं उनको परेशान नहीं किया जाता है। तो चलते हैं नीचे हम, और नीचे आपको कुछ दिखाते हैं। अभी देखिए नीचे का नज़ारा। इधर आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, इधर आप देख सकते हैं फार्मा की क्लास की जाती है इधर, और आपका इधर क्लासरूम है जो सामने है। अभी बच्चे तो है नहीं, आपको सिर्फ क्लासरूम इधर का भी दिखा देता हूँ थोड़ा। ये क्लासरूम है, और जब स्टूडेंट आएंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे। फार्मा का इधर पढ़ाई होती है, और यहाँ पर दोस्तों बहुत स्ट्रीम की पढ़ाई होती है, फार्मा का, इंजीनियरिंग का, मैनेजमेंट का। लगभग देखा जाए तो सभी जो टॉप कोर्सेस हैं सभी कराए जाते हैं यहाँ पे। अगर आपको कभी मौका मिले तो आइए यहाँ पे विजिट करिए, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। और यहाँ से देख सकते हैं सामने जो गाड़ियाँ वगैरह, सामने पार्किंग है, और यहीं पे सब गाड़ियाँ छोटी बड़ी लगती है। जो मैं अभी सेकंड फ्लोर पे हूँ, सेकंड फ्लोर से मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। सेकंड फ्लोर पे फार्मा की क्लास चलती है। देखिए आज भी पानी पीने के लिए मटका और गिलास रखा हुआ है, और यहाँ पे इसमें ठंडा पानी मिलता है पीने के लिए, क्योंकि जो आरओ वाटर है वो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर पे है, तो आना जाना थोड़ा सा टफ होता है। इसलिए हर क्लासरूम के बाहर में रखा रहता है कि अगर स्टूडेंट को पानी पीने की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पे इजीली पी सकते हैं। इधर देखिए कॉलेज के बैक साइड है, जो आपको पूरा पेड़ पौधे ही दिखेंगे। देख सकते कितना जंगल की तरह दिख रहा है जो बैक साइड का नज़ारा है। आपको फ्रंट का तो अभी दिखाया। मैं बहुत सालों से अपने कॉलेज को मिस कर रहा था, इसलिए भी मुझे आने का रुचि हो रहा था, और मैं आज फाइनली आया यहाँ पे, और आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ बहुत ही बदलाव हो चुका है, बहुत ही ग्रीनरी फील्ड हो गया, पूरा ग्रीनरी यहाँ पे दिखे। देख सकते हैं हमारे कॉलेज में कितने सारे कोर्स ऑफर कराए जा रहे हैं यहाँ पर। हमको लगता है इंडिया के जितने टॉप कोर्सेस अभी कराए जा रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है जो सभी कोर्सेज एक ही जगह मिल रहा है। आप इंजीनियरिंग करें या मैनेजमेंट करें या मेडिकल करें, सभी कोर्सेज यहाँ पे मिलेंगे। आर्ट्स भी है यहाँ पे, साइंस भी है, आप जो कोर्स करना चाहते हैं इंडिया के सब टॉप एजुकेशन यहाँ पे मिलेंगे। और आप यहाँ अगर पढ़ना चाहते हैं तो आके देख सकते हैं, और बहुत ही कम फीस में आपको यहाँ पे हो जाएगी, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है। और अगर कम से कम फीस में करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आएँ, विजिट करें, और फिर हमको कमेंट सेक्शन में बताएँ कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।